करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम उस जगह तक पहुंचे जहां से असली इम्तिहान शुरू होना था। तो अब हम कुटमसुर गुफा के बहुत करीब हैं, लेकिन यहां पहुंचते ही जिस चीज पर सबसे पहले नजर पड़ी है वो है ये वार्निंग यानी चेतावनी। और इस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप इस गुफा में जाते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर जा रहे हैं और आपके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए कोई भी और जिम्मेदार नहीं होगा। यानी यहाँ पर पहला कदम रखते ही हमको उस खतरे का एहसास होने लगा है जो अब शायद हमारे सामने है। दिल में एक डर भी था लेकिन हौसला अब भी बुलंद था। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम उस गुफा से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम एक ऐसी गुफा में उतरने वाले थे जहां रोशनी का नामो निशान नहीं होगा, न जाने कौन से जानवर मिलेंगे, न जाने कौन सी मुसीबतों से सामना होगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि हम उस गुफा से सही सलामत लौट पाएंगे। दिल में एक अजीब से खौफ के साथ हम गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के भीतर पहला कदम रखते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न रोशनी की कोई किरण, न रास्ते का कोई अंदाजा। दो कदम अंदर आने के बाद से यहां पर इतना खूब अंधेरा है कि आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। आप मुझे देख पा रहे हैं हमारे कैमरे की लाइट की वजह से, और आगे हर कदम चलना बेहद मुश्किल काम है। तो हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि यहाँ का जो वातावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो पिछले कई सदियों से इसी तरह से बरकरार है, उसको किसी भी तरह का नुकसान ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉर्च की रोशनी में गुफा की पहली झलक दिखाई दी थी। सब कुछ साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ पत्थर दिखे थे जो इस अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। तो आप जब जमीन के अंदर होते हैं तो कभी कभी आपको भ्रम होता है, आपकी आंखें धोखा खाने लगती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके दिमाग के सोचने की कुव्वत जो है वो कम होने लगती है। और मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरी आंखों को धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे सामने रंग बिरंगी लाइंस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेनबो हो, जैसे कोई इंद्रधनुष हो, लेकिन असल में ये सारी लाइंस पानी के कटाव से बनती हैं। ये सब कुछ देखकर दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा में बनी तमाम आकृतियां भी सिर्फ पानी के कटाव का नतीजा हो। लेकिन जैसे ही हम गुफा के अगले मोड़ पर पहुंचे, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। ऐसा लगा जैसे हम किसी विशाल काय कमरे में खड़े हों। लोगों का मानना है कि यही वो जगह थी जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने डेरा जमाया था। ये जो कहानी जुड़ी हुई है इन गुफाओं से कि भगवान राम यहाँ पर आते थे, भगवान राम का वास था वनवास के दौरान, और जब उनकी सेना लौट रही थी लंका पर विजय हासिल करने के बाद, तो पूरी वानर सेना इन्हीं गुफाओं में रुकी थी, इन्हीं गुफाओं में रही थी। और ये बहुत मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में इस तरह के कितने बड़े बड़े चेंबर्स हैं हमको नहीं पता। किसी ने भी अभी तक इनको पूरी तरह से देखा नहीं है, मापा नहीं है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये गुफाएं कहां से कहां तक जुड़ी हुई है। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि गुफा जगन्नाथपुरी से भी जुड़ी हुई है, लेकिन इतने बड़े बड़े चेंबर्स यहां पर होना वाकई हैरानी में डालने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हैरतअंगेज़ है। ये सब कुछ तो सिर्फ शुरुआत थी। गुफा का वो पड़ाव था जहां पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। आगे का सफर तमाम चुनौतियों से भरा था। हमें बताया गया कि भगवान राम के हाथों से बनाया गया वो शिवलिंग गुफा के आखिरी छोर पर है, जिसके लिए हमें जमीन से 100 फीट नीचे जाना होगा। ये इतना छोटा रास्ता है लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। हो सकता है आगे ऑक्सीजन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हो।